भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के मौत के मामले में प्रमुख आरोपी समर सिंह को आकांक्षा के फैंस की नाराजगी झेलनी पड़ी। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान आकांक्षा के नाराज फैंस ने समर सिंह को दौड़ा। जी हाँ, ये हमला होता हुआ नजर आया वाराणसी में। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह को आज ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद से वाराणसी की कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान आकांक्षा दुबे के वकील और उनके सहयोगियों के साथ उनके नाराज फैंस ने समर सिंह को मारने के लिए दौड़ा दी। हालांकि हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से सुरक्षा के लिए पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद थी और किसी भी तरह की मारपीट से बचाते हुए पुलिस ने 14 दिनों के लिए समर सिंह को जेल में भेज दिया। वाराणसी के पास ही सारनाथ में आकांक्षा दुबे संदिग्ध परिस्थिति में एक होटल के कमरे में मृत पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने इसको आत्महत्या माना था। लेकिन आकांक्षा दुबे के परिजनों की शिकायत के आधार पर कई धाराओं में समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में गायक समर सिंह को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद की पुलिस टीम ने समर सिंह को गाजियाबाद में ही स्थित एक सोसाइटी से गिरफ्तार किया, जिसके बाद आज समर सिंह को वाराणसी की कोर्ट में पेश किया जा रहा था। इस दौरान कोर्ट में फैंस बेहद नाराज नजर आए, जो आकांक्षा की मौत के लिए समर सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और कोर्ट में हमला करते हुए नजर आए समर सिंह पर। और इस हमले में समर सिंह को दौड़ाते हुए दिखाई दिए फैंस। हालांकि समर सिंह को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि पुलिस का खास इंतजाम था और ऐसे में समर सिंह को बचाकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिया गया है। आने वाले दिनों में आकांक्षा दुबे से जुड़े और भी राज जो है वो सामने निकल कर आएंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।